नमस्ते, मैं अविनाश, सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज वीक की शुरुआत हमको सेलिंग से मिली। बैंक निफ्टी में एक अच्छी सेलिंग दिखाई दी, इवन निफ्टी में भी अच्छी सेलिंग दिखाई दी। निफ्टी ने 18,881.45 का हाई मारा, जो ऑल टाइम हाई को थोड़ा सा 7-8 पॉइंट से 5-6 पॉइंट से मिस किया, और वहाँ से एक वन वे सेलिंग आ गई। वैसे ही बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा सेलिंग हमको देखने को मिला। बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हैं तो मॉर्निंग में ओपन होने के बाद फर्स्ट 5 मिनट का बार एक हैमर बना, और हैमर बनने के साथ वो हैमर के नीचे सेलिंग का प्रेशर चालू हुआ, और उसके बाद एक छोटा सा वापस एक 942 का मेन इंपॉर्टेंट लेवल था। मैंने लिखा था बैंक निफ्टी को कि 880 के ऊपर बाय करना, और आज बैंक निफ्टी को मैंने लिखा था 44,100 के ऊपर बाय करना, तो बैंक निफ्टी का हाई जो था वो 44,040 ही हुआ। तो 100 के ऊपर मैंने बाय लिखा था, उसके पहले तो बाय करना नहीं था। उसके बाद जब बैंक निफ्टी नीचे आई तो एक छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश किया, जैसे कल वो जाते थे क्लोजिंग में जो लो बना था उसका सपोर्ट लेने का कोशिश किया। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो लो टूटने के बाद आप देखेंगे ये लो टूटा, उसके बाद एक कैंडल बनी जो इन्वर्टेड हैमर बनी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये इन्वर्टेड हैमर सेलिंग के साथ अगर हमको मिलता है तो ये इंडिकेशन देता है कि यहाँ से ये जोर से सेलिंग आ जाएगी। यहाँ से आप देखेंगे तो जैसे ही इन्वर्टेड हैमर टूटा वैसे हमको जोर की सेलिंग मिली। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि कोई भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट के साथ पास अगर सेलिंग, वो सपोर्ट टूटते वक्त हमको कैंडल जो मिली रेड, तो वो रेड कैंडल के बाद एक रिजेक्शन कैंडल आती है बाई की। अगर वो बाई की कैंडल सक्सेसफुल नहीं हुई और अगर इन्वर्टेड हैमर में कन्वर्ट होके सेलिंग कंटिन्यू हुई तो जोर से सेलिंग मिल गई। तो हमको ये जोर से सेलिंग मिली, यहाँ से फिर हमको यहाँ पे डायरेक्ट आप देखेंगे ये यहाँ से 855 से लेके 600 तक की सेलिंग मिली, और वो कंटिन्यू सेलिंग मिली। और ये इम्पोर्टेंट है कि इन्वर्टेड हैमर को हमको कैसे देखना है और उसके नीचे क्या करना है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा हैमर बना, हैमर बन के प्रीवियस कैंडल का, मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रीवियस कैंडल का हाई जब तक अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको बाय नहीं करना है। तो यहाँ पे फिर फुल टाइम पास हुआ। टाइम पास होने के बाद ये अपवर्ड एंगल को एक बार क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन एक ही क्लोजिंग आई, सेकेंड क्लोजिंग नीचे आई, तो सेकेंड बार का जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो भी काम आया। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ उसने धकेल दिया। नीचे की तरफ धकेलने के बाद यहाँ पे एक अगेन हमको एक छोटा सा, यहाँ पे आप देखेंगे जब ये साइडवेज चल रहा था तभी एक इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर बन के एक सेलिंग की कोशिश की, लेकिन वो सेलिंग की कोशिश नाकामयाब रही, और जैसे ही इन्वर्टेड हैमर के ऊपर प्राइस आई ऊपर की तरफ हमको मोमेंट मिला, ऊपर की तरफ मोमेंट मिला लेकिन वो ज़्यादा नहीं मिला। अगेन यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर मिला और थोड़ा सा सेलिंग हमको देखने को मिला। तो ऑल इन ऑल ये जोन में कुछ हुआ नहीं, जो हुआ वो यही जोन में हुआ। अभी कल के लिए क्या हो सकता है, तो अगर आप देखेंगे कल के लिए तो हम लोग देख रहे हैं कि एक यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमको दिखाई दिया। ये लो के नीचे ये लो मारा, उसके नीचे नया लो मारा, तो हमको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी दिख सकता है। अगर ये जो इम्पोर्टेंट लो है पहले बना हुआ, ये जो बना हुआ है ये लो है कम से कम 43,397, तो इसका अगर आप डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो एक करीबन कुछ 240 के आसपास आ रहा है, लेकिन लेवल के हिसाब से मैं देखता हूँ तो 320 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाती है तब तक हमको सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 320 के नीचे गई तो ही हमको जोर से सेलिंग दिखेगी, तब तक एक 480 का और 400 का सपोर्ट मिलते रहेगा। उसके बाद ऊपर की तरफ अगर 820 के ऊपर गई तो हम लोग एक छोटा सा बाय कर सकते हैं, फिर 942 और 220 का हमारा रेजिस्टेंस, 44,220 का रेजिस्टेंस रहेगा। नीचे की तरफ 320 के नीचे जाएगा तो मीडियम टर्म सेल जनरेट होने वाला है,
इन दिस केस आप 43,460 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। फिर नीचे के टारगेट जो है 43,108, 42,829 और 42,550 ओपन हो जाएंगे। ये टारगेट्स बहुत फिर जल्दी हमको देखने को भी मिल सकते हैं, क्योंकि अभी एवरीबडी इज एंटिसिपेटिंग कि तेजी आ रही है, और अगर फेल्योर हुआ तो फिर हमको नीचे के टारगेट जोर से मिल सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में हमको आज लिटरली चीट किया कि ऑल टाइम हाई के हाई को सिर्फ 4-5 पॉइंट से मिस किया और जोर से तेज मंदी आ गई। आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल जो हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद जैसे ही हैमर टूटा सेलिंग का प्रेशर शुरू हुआ। अगर समझो आपने हैमर टूटने के बाद भी थोड़ा सा वेट किया तो आप यहाँ पे देखेंगे अगेन यहाँ पे एक हैमर बना। ये हैमर से हमको एक क्लियर कट पता चला कि ये ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि हैमर के पहले का कैंडल क्रॉस ही नहीं हो रहा। तो फिर जब जैसे ही ये हैमर टूटा यहाँ पे सेलिंग आ गई, और सेलिंग आने के बाद कंटिन्यू रही। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ये लो के नीचे ये लो मारा, आप देखेंगे ये हाई का अगर हमने अपवर्ड एंगल डाला तो यहाँ पे ये क्रॉस नहीं हुआ, और यहाँ से अगेन वापस सेलिंग आ गई। तो जब तक कल ये अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है, जैसे ये लो के नीचे ये लो मारा तो अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हम बाय नहीं करेंगे। वो है 18,825। ऊपर में जैसे ही आपको ये एंगल के आसपास मिलेगा, अगर 18,790 और 18,800 के आसपास आएगा तो आप 18,820 में सेल कर सकते हैं। 18,620 और 527 ये टारगेट रहेंगे। ऊपर की तरफ 18,825 के ऊपर बाय कर सकते हैं, 220, 19,120 के टारगेट रहेंगे। तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा निफ्टी रुकेगा और नीचे की तरफ हमको मूवमेंट थोड़ी सी आती हुई दिखेगी। जब तक 18,620 टूटता नहीं तब तक मोमेंटम निफ्टी का टूटने वाला है नहीं, कि आपको मैं क्लियर कट बताता हूँ। 18,620 टूटा तो हमको एक मीडियम टर्म सेल भी दिखने को मिल सकता है, लेकिन 620 तक मोमेंटम नहीं टूटेगा। अगर आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग जो ये एजुकेशनल सीरीज जो चला रहे, इसमें मैं लर्निंग वीडियो में ऐड करने वाला हूँ। तो आप जो भी है पीछे के वीडियो जरा आप रेफर करके, नए नए अगर व्यूअर है तो आप प्लीज़ अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल क्या है ये पीछे के वीडियो रेफरेंस लेके आप पीछे के वीडियो रेफर कीजिए समझने के लिए। और फिर इसके बाद मैं आपको नए नए आइडिया दूंगा। थोड़ा सा मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि अगर आप कैंडल स्टिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हो तो यू विल गेन लॉट, क्योंकि कैंडल स्टिक विथ टाइम एंगल अगर आप काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये मैं आपको इसका एक वीडियो बनाऊंगा ये वीकेंड में, कैंडल स्टिक विथ कैंडल स्टिक पैटर्न विथ टाइम एंगल। तो इसके ऊपर आपको कम रिस्क में कैसे हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं इसका मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और एक बात बतानी थी कि आज मैंने टेलीग्राम पे, मैं बहुत दिनों से एक्चुअली इनएक्टिव था बिकॉज ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम, लेकिन आज से मैंने टेलीग्राम मैंने चालू किया है। आज एक ट्रेड भी दिया था सेल का, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 18,000 निफ्टी सेल 10:56 को दिया था, और बाद में मैंने एक 18,730 में प्रॉफिट बुक का भी मैसेज डाला था। तो आज से ये मैं चालू कर रहा हूँ, जिसमें आपको यहाँ पे भी कुछ ट्रेड्स मिलेंगे। आप इनको देख के आपके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में जाके अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो तो ज्वाइन भी हो सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू।